ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं समर स्लैम में होने वाले रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर की यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के बारे में, जहां आने वाले रॉ के एपिसोड में हमें इस मैच के साथ काफी कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि WWE अब इस मैच से छेड़छाड़ नहीं करने वाले, तो शायद आप यहां पर गलत भी हो सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। अब जैसे कि मैंने कहा, इस मैच के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो छेड़छाड़ वो क्या होगी? क्या रोमन रेंस को इस मैच से निकाला जाएगा? अब ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉबी लेशली को हरा चुके हैं। ब्रॉक लेसनर को मैच से हटाया जाएगा? तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वही तो है यूनिवर्सल चैंपियन। अगर वही मैच से हटेंगे तो भैया चैंपियनशिप कौन डिफेंड करेगा? तो छेड़छाड़ क्या होगी? छेड़छाड़ यहां पर यह होगी कि एक और सुपरस्टार को इस मैच में डाल दिया जाएगा, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि द डोमिनेटर बॉबी लेशली है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार, रॉक एपिसोड में तो रोमन रेंस ने हरा दिया बॉबी लेशली को, तो आखिर अब कैसे मौका है बॉबी लेशली के पास कि वो इस मैच में आ सकते हैं? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको यही तीन पॉइंट बताने वाला हूं। पहला पॉइंट ये कि आखिर क्यों बॉबी लेशली इस मैच में आ सकते हैं, वो ये कि WWE के पास बॉबी लेशली के लिए कोई प्लान ही नहीं है। अब आप खुद सोचो, WWE एक तरफ बॉबी लेशली को मौका दे रही थी कि वो ब्रॉक लेसनर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच लड़े, और अब जब उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेस से एक तरह से बाहर कर दिया गया है, तो फिर WWE उनकी बुकिंग कैसे करने वाली है? ये तो बात यहाँ पर कंफर्म है कि WWE नहीं चाहेगी कि वो बॉबी लेशली को समर स्लैम के लिए बेकार बुकिंग करे, क्योंकि वो टॉप गाय एक तरह से आप मान सकते हैं अगर उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मौका दिया जा रहा था। तो ये यहाँ पर WWE के पास दिक्कत होगी कि आखिर बॉबी लेशली की बुकिंग कैसे करनी है। और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि हो सकता है रोमन रेंस एंड बॉबी लेशली दोनों अपने पॉइंट रखें कि आखिर वो क्यों ब्रॉक लेसनर को फेस करेंगे, तो हम कह सकते हैं रोमन रेंस के पास तो ऑलरेडी पॉइंट आ चुका है, वो ऑलरेडी कंफर्म भी हो चुके समर स्लैम के लिए। लेकिन बात करें बॉबी लेशली की, तो हो सकता है वो आने वाले किसी रॉ के एपिसोड में वो कहें कि मैंने भी तो रोमन रेंस को एक्सट्रीम रूल्स में हराया, तो आखिर क्यों रोमन रेंस को ही मौका दिया जा रहा है? वो कह सकते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को एक एक बार हराया, तो ऐसे में मैं भी डिजर्व करता हूं कि मुझे ब्रॉक लेसनर के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच दिया जाए। तो इस तरह से WWE इस मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बना सकती है। दूसरे पॉइंट की बात करें जो कि काफी बड़ा आप कह सकते हैं, और वो ये कि फैंस यहां पर बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे कि समर स्लैम में एक बार फिर से होने जा रहा है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच मैच। WWE को इससे काफी नुकसान हो सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, WWE के पास एक ही ऐसी चीज है जो कि इस मैच को बचा सकती है, और वो ये कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का अगर हमें इस मैच के दौरान कैश इन देखने को मिले। लेकिन ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि WWE पहले से तो कहेगी नहीं कि भैया आप टिकट ले लो, आ जाओ, क्योंकि हम ब्रॉन स्ट्रोमैन का कैश इन करवाने वाले हैं। तो इस तरह से भी यहां पर ऐसा मौका बनता है कि बॉबी लेशली को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में डाला जा सकता है, ताकि फैंस को वहां पर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच सिंगल्स मैच ना देखने को मिले, बल्कि उनको वहां पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिल जाए। और बात करें तीसरे पॉइंट की, जो कि आप कह सकते हैं एक तरह से स्पॉइल भी कर रहा है या फिर सबसे बड़ा पॉइंट है। अब आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि बॉबी लेशली ने रोमन रेंस से हार के बाद क्या कहा, और ट्वीट आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। यहां वो रोमन रेंस से कह रहे थे कि वो वॉरियर हैं, लेकिन मैं यहां पर हारा जरूर हूं, लेकिन मेरे हार से ही मेरी जीत के रास्ते खुले, ऐसा यहां पर कुछ बॉबी लेशली ने इस ट्वीट के अंदर कहा था। लेकिन इसके बाद जो बॉबी लेशली के फैंस है वो भी उनको रिप्लाई कर रहे थे, और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक फैन ने यहां पर लिखा है कि WWE ने तुम्हारे साथ गलत किया, वो तुम्हें नहीं जिताना चाहते, वो तुम पर बिलीव नहीं करते, और ये काफी बुरी बात है। और जिसका रिप्लाई किया बॉबी लेशली ने, और उन्होंने कहा कि WWE मुझ पर बिलीव करती है, और बिलीव करती है इसलिए मैं 10 साल के बाद वापस आया हूं, मैं टॉप पर हूंगा, ट्रस्ट मी मैन। तो यहां पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए, और बॉबी लेशली को देखकर तो यहां पर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उन्हें पता हो कि वो इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में आने वाले हैं। इसके बाद एक और फैन ने यहां पर लिखा, उन्होंने कहा, बॉबी दिस सक्स, मैं सच में चाहता था कि आप समर स्लैम में जाओ, रिप्रेजेंट करो और ब्रॉक लेसनर को हराओ, आई होप यू राइज बैक अप ब्रदर। तो यहां पर बॉबी लेशली ने इसका भी रिप्लाई किया, आई विल ट्रस्ट मी। तो यहां पर बॉबी लेशली की बातों को देखकर भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो हिंट कर रहे हैं कि वो आने वाले हैं इस यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच में, और उसके बाद वो इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना सकते हैं। और आपको भी कमेंट देखकर लग ही रहा होगा कि बॉबी लेशली यहां पर स्टिल काफी पॉजिटिव है, जबकि रोमन रेंस के हाथों उनकी काफी बड़ी हार हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं यहां पर सारी चीजों को मिलाकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले रॉ के एपिसोड में हमें कोई ऐसा सेगमेंट देखने को मिल सकता है जहां पर बॉबी लेशली, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर तीनों ही सुपरस्टार हो, और उसके बाद जाकर कुछ ऐसा हो, बॉबी लेशली अपने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखें जिसके बाद समर स्लैम में जाकर हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि क्या आप रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच सिंगल्स मैच देखना पसंद करेंगे, या फिर बॉबी लेशली भी डिजर्व करते हैं और उन्हें आकर इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बनाना चाहिए। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।